हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव। इसके लिए हम सबसे पहले चावल को धुल के और 10 मिनट पहले ही रख दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दिखाते हैं आप लोगों को मटर पुलाव बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चावल करीब 1 गिलास के हिसाब से हमने ले लिया है। 1 कप के हिसाब से हम मटर भी ले लिए हैं फ्रेंड्स। इसको फ्रेश धुल लिए हैं। 1 तेज़पत्ता हमने ले लिया है फ्रेंड्स। 1 दालचीनी, 2 लौंग, 1 छोटा सा जावित्री और ये छोटी इलायची है जिसका मुंह हमने खोल दिया है फ्रेंड्स, और 1 बड़ी इलायची उसका भी मुंह हमने खोल दिया है फ्रेंड्स। तो अब हम सबसे पहले गैस चूल्हे को जला के और कुकर को रखते हैं। तो फ्रेंड्स, कुकर हमारा गर्म हो चुका है, तो हम उसमें सबसे पहले घी ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे दालचीनी और लौंग। इसके साथ ही हम इसमें 1 तेज़पत्ता भी ऐड कर देंगे। और जो छोटी इलायची है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें चावल ऐड करके और 5 मिनट तक भूनेंगे फ्रेंड्स। इसमें 1 चम्मच के करीब चीनी भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। और चीनी हम इसलिए डालेंगे ताकि मटर डालने के बाद मटर का कलर चेंज ना हो, उसका प्राकृतिक कलर बना रहे, इसलिए हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये जो जावित्री है उसे भी हम इसमें अब ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। और ये जो बड़ी इलायची है इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल हमारा भून चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कितना अच्छे से चावल हमारा भून चुका है। तो अब हम इसमें मटर और पानी दोनों ऐड कर देंगे। इसी गिलास से हमने चावल लिया था फ्रेंड्स 1 गिलास, तो इसी गिलास से हम 2 गिलास नाप के पानी भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से मिक्स करके और कुकर को बंद कर देंगे। गैस चूल्हे की फ्लेम को हम हाई कर देंगे फ्रेंड्स, और 1 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। 1 सीटी लगने के बाद मटर पुलाव हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चावल हमारा बन चुका है, तो गैस चूल्हे की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कुकर हमारा ठंडा हो जाए, उसमें का वेपर निकल जाए, उसके बाद हम चावल आप लोग को सर्व करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म मटर पुलाव बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं मटर पुलाव कितना खिला खिला बना है, बिल्कुल एक दूसरे में चिपका नहीं है। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मटर पुलाव बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो आप लोग एक बार इस तरह बना के ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और फ्रेंड्स, हमारा रेसिपी आप लोग को अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं कल नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।